सो हेलो एंड वेलकम टू द माय चैनल गाइस, टेक्निकल सिद्धार्थ। आज हम लेके आ चुके हैं i12 मॉडल में प्रॉब्लम आने वाली वन साइड नॉट वर्किंग, नॉट चार्जिंग, या फिर वो एक साइड से कनेक्ट नहीं होता, एक ही साइड से कनेक्ट होता, तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं आपके लिए इस चैनल पे टेक्निकल सिद्धार्थ। नया चैनल सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो। चलिए गाइस, चलते हैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए। वन साइड अगर होता है तो क्यों होता है प्रॉब्लम, चलिए गाइस चलते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप इस बड्स को 50% से ऊपर चार्जिंग कर लेना, उसके बाद ही मैं जो बोल रहा हूँ वो ट्राई कीजिएगा। तो इसमें यहाँ पे पीछे की साइड में जो भी दो पॉइंट रहते हैं उसको पहले तो देख लीजिएगा, यहाँ पे क्लीन होना चाहिए। क्लीन अगर नहीं हो रहा तो वो चार्जिंग नहीं होगा। अगर चार्जिंग नहीं होगा तो फिर वो एक बंद रहेगा एक चालू रहेगा, ऐसा ही सिस्टम करेगा। और ये भी देखने के बाद आप इस डिब्बे के अंदर जो दो पॉइंट रहते हैं उसको भी देख लीजिएगा कि वो चार्जिंग होने के लायक या फिर क्लीन है या फिर नहीं है। अगर डस्ट वगैरह होगी तो वो चार्जिंग का इशू रहेगा तो कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर ये चीज़ दोनों क्लियर है और तो फिर चार्जिंग नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे देख लीजिएगा जहाँ पे चार्जिंग का सॉकेट लगना है वहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे एकदम डस्ट वगैरह सब क्लीन है कि नहीं है। ये तीनों चीज़ देखने के बाद भी अगर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर आप इस दोनों बड्स को रीसेट कर दीजिएगा। अगर रीसेट करना आपको नहीं आता तो मैं बताना चाहूँगा कि इस दोनों बड्स को रीसेट करने के लिए दोनों बड्स को साथ ही यहाँ पे प्रेस करना है। देखो अभी वन साइड ये ब्लिंक कर रहा है, वन साइड ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो आपको दोनों के जहाँ पे टच कंट्रोल रहते हैं उन दोनों को एक साथ ही प्रेस करना है और समथिंग 5-6 सेकंड तक रखना है तो वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से करना है। यहाँ पे दोनों के सेंसर रहते हैं, इसको दोनों को टच करके रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो बंद था वो भी चालू हो गया, तो मतलब ये रीसेट हो गया। अगर रीसेट होने के बाद भी वो प्रॉब्लम का आपके सॉल्यूशन ना हो तो फिर आपका एयरड्रॉप्स ख़राब हो गया, तो फिर कोशिश करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये जो चीज़ मैंने बताई है वो चीज़ आप ट्राई कर लीजिएगा एक बार इस डिब्बे को बाहर फेंकने से पहले। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो और अगर आपके एयरड्रॉप्स सही हो गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। चलिए गाइस चलते हैं, बाय। और टेक्निकल सिद्धार्थ नया चैनल है तो सपोर्ट कीजिए यार। चलिए गाइस चलते हैं।